नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। जानकारी के अनुसार ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। वहीं पीएमओ ने कहा है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में और जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य में एक जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों के प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त आगाज अनाज उपलब्ध करा रही थी और हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2021 तक के लिए भी बढ़ा दिया है। साथ ही आने वाले कुछ महीनों में तीसरी लहर की भी आशंका है, जिसको देखते हुए इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज से स्कूल खुल जाएंगे। जी हां, पंजाब में सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया है कि स्कूल में सिर्फ उन्हीं शिक्षक और स्टाफ को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने टीके की दोनों डोज ले ली हैं। साथ ही बिना अभिभावकों को की लिखित सहमति के विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में भी 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुलेंगे और शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि बोर्डिंग और डे बोर्डिंग स्कूलों में आवासीय परिसर में निवास करने वाले छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ का अधिकतम 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी और इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश देने होने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार से आज से यानी 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं लगेंगी। साथ ही 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चे शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। वहीं पंजाब में सोमवार से भी सभी स्कूल सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया है कि स्कूल में सिर्फ वही स्टाफ और अन्य उन स्टाफों को प्रवेश दिया जाएगा जिनसे टीके की जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं। साथ ही बिना अभिभावकों के लिखित सहमति के विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं स्कूलों में साफ सफाई के साथ रैंडम सैंपलिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। तो बता दें, आज से कई राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में स्कूल जो है 9वीं से 12वीं तक के खुल रहे हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और कई जगह पर ये नियम बनाए गए हैं कि उन्हीं शिक्षकों को स्कूल आने की इजाज़त होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को भी कहा गया है कि वो पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें और पालन करें, तभी स्कूल में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। पेगागस जासूसी मामले को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में लगातार चल रहे गतिरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल नकवी ने रविवार को कहा कि सत्ता में रहने के दौरान जासूसी की जेम्स बॉन्ड रही पार्टी अब फर्जी और मनगढ़ंत मुद्दों पर संसद का समय बर्बाद करना चाहती है। राज्यसभा के उपनेता ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों पर रेड एंड रन यानी कि आरोप लगाओ और भाग जाओ का रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार इस मॉनसून सत्र में जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्धारित तिथि यानी कि 13 अगस्त से पहले मॉनसून सत्र के खत्म होने की बातें महज अफवाह हैं। नकवी ने ये उम्मीद भी जताई कि जल्द ही गतिरोध टूटेगा और दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी क्योंकि सरकार विपक्षी दलों के साथ लगातार संपर्क में है और पेगागस और अन्य कुछ मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद में के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। तो बता दें, 13 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है। ऐसे में लगातार 19 अगस्त से शुरू हुए इस मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा जासूसी कांड को लेकर हर रोज हंगामा संसद की दोनों सदनों में देखने के लिए मिल रहा है।
देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़नी शुरू हो गई है। इसको लेकर सरकार की चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं। दरअसल केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 20,728 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 65 लोगों की जान भी चली गई, जबकि कुल सक्रिय केस 1,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं देश में केरल में इन दिनों सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में केरल के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सक्रिय केस 77,000 से ज्यादा हैं, कर्नाटक में 24,000 से ज्यादा, आंध्र प्रदेश में 21,000 से ज्यादा और तमिलनाडु में 20,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वैल्यू का बढ़ना है। दरअसल एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जितने लोगों को संक्रमित करता है इसे आर वैल्यू कहते हैं, और अगर एक व्यक्ति शख्स को संक्रमित करता है तो आर वैल्यू 1 होगी, लेकिन अगर शख्स दो लोगों को संक्रमित करता है तो ये वैल्यू 2 होगी। वहीं दिल्ली के एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू बढ़ रही है और ये एक चिंता का विषय है। हाल ही में इसके 0.96% से बढ़कर 1 हो जाना चिंता का कारण है। साथ ही देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वहां तुरंत रणनीति बनाने की जरूरत है। तो बता दें, लगातार कहा जा रहा था कि अगस्त के अंत में और सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। एक बार जब कोरोना के फिर से मामले देश में बढ़ते नजर आ रहे हैं तो एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि रणनीति बनाने की बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है, तभी स्थिति पर कंट्रोल पा सकेंगे और तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाए तो मुश्किल हो सकती है। रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये सभी बातें कही गई हैं। एलएसी बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और आपसी मित्रता बढ़ाने के इरादे से भारत और चीन की सेनाओं ने नॉर्थ सिक्किम से सटी एलएसी पर हॉटलाइन स्थापित कर दी है। दरअसल रविवार को चीन के सेना यानी पीएलएस दिवस के मौके पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस हॉटलाइन की शुरुआत की गई। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि सीमा पर परस्पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए इरादे से नॉर्थ सिक्किम के कोगरा ला और तिब्बत स्वयं क्षेत्र के खंबा दगोज में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आरपी के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई है। इस हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय मिलिट्री कमांडर्स किसी भी विवाद के दौरान आपस में सीधे बातचीत कर सकेंगे। रविवार को पीएलए दिवस के मौके पर जब इस हॉटलाइन की शुरुआत की गई तो कहा गया कि उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं के साथ स्थानीय कमांडर्स भी शामिल हुए और हॉटलाइन पर मित्रता और सद्भाव के संदेश देने का भी आदान प्रदान हुआ। साथ ही नॉर्थ सिक्किम का ये वही इलाका है जहां पिछले 1.5 साल में कई बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच पेट्रोलिंग के को लेकर झड़प हो चुकी है। एक ऐसी ही धक्का मुक्की का वीडियो भी पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो बता दें, भारत और चीन ने एलएसी पर स्थापित हॉटलाइन कर ली है। दोनों देशों के बीच सहमति हुई जिसके बाद इस हॉटलाइन का स्थापित की गई और बॉर्डर पर शांति बनाए रखने को लेकर यह पहल की गई है दोनों देशों की तरफ से। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश की से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, वहीं राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी छिटपुट बारिश से बेहतर भारी बारिश के साथ छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। वहीं उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में व्यापक रूप से बारिश का वर्तमान दौर जारी है और रहने भी वाला है। साथ ही आज उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश से बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिन के दौरान बता दें भारत और इससे सटे पूर्वी मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कम से कम बारिश की गतिरोध जारी रहेगी और 1 से 5 अगस्त के दौरान हरियाणा और 2 से 4 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। इसे लेकर यूपी पुलिस ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कोरोना संक्रमण की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। दरअसल मुहर्रम को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दे दिया गया है। साथ ही दिशा निर्देश में कहा गया है कि यातायात किसी भी हाल में बाधित ना हो, साथ ही बैरियर और चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग भी की जाए। गाइडलाइन के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने की बात भी कही गई है और इस दौरान जन सुविधाएं और बिजली, पेयजल और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को धर्म गुरुओं से संवाद करने और सभी महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग करने, बीट स्तर पर हालातों की समीक्षा करने और व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गाइडलाइंस के मुताबिक संवेदनशील सांप्रदायिक और कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी और इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशन समेत धार्मिक स्थलों पर चेकिंग भी की जाएगी। वहीं सघन जांच और तलाशी की व्यवस्था के लिए स्वान दल, आतंकवादी निरोधक दस्ता और बम निरोधक दस्ते की तैनाती भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो बता दें इस बार यूपी में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की गई है जिसमें कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि सभी जगहों की चेकिंग की जाएगी और धार्मिक स्थलों पर खासकर ध्यान रखा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच कई स्थानों पर जलजमाव भी हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार यमुना बाजार, खानपुर, रोहतक रोड, लोधी रोड, आजादपुर अंडरपास, जखीरा अंडरपास, शक्ति नगर अंडरपास, किराड़ी सागरपुर में भारी जलजमाव हो गया है। वहीं मंगोलपुरी में बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धस गया जिससे इलाके में यातायात बाधित हो गया है और साथ ही इस बीच यमुना में जल स्तर फिर से बढ़ने लगा है। रविवार को यमुना के वाले क्षेत्रों से पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा परिवारों को ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। साथ ही नदी के तटीय इलाकों में भारी बारिश की वजह से शुक्रवार को जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर यानी कि 205.33 मीटर को पार कर गया था। हालांकि शनिवार शाम को जलस्तर घटकर 204.89 मीटर हो गया था। वहीं दिल्ली के लिए जुलाई का महीना मौसम की दृष्टि से बहुत ही अजीबोगरीब रहा है क्योंकि इस महीने में 5 दिन लू चली जो 2012 के बाद से अधिकतम रही है और इसके अलावा मॉनसून भी 2 सप्ताह की देरी में आया जो असामान्य है और लगभग 2 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली मूसलाधार बारिश इस बार दिल्ली में हो रही है। छह अगस्त को दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, ग्रे लाइन के नजफगढ़ ढांस बस स्टैंड और पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी मयूर विहार पॉकेट पर कॉरिडोर पर सफर शुरू होने जा रहा है। अब इन दोनों ही प्रोजेक्ट का केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उद्घाटन भी किया जा रहा है। कोरोना की वजह से वर्चुअल अंदाज में ही ये समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही GMRC की तरफ से जानकारी दी गई है कि समारोह में जरूर 6 अगस्त को हो रहा है लेकिन यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं उसी दिन दोपहर 3 बजे से शुरू कर दी जाएंगी। ऐसे में दिल्ली वालों को इस सौगात के लिए ज्यादा लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। साथ ही वहीं इसके उद्घाटन के बाद दिल्ली मेट्रो का भी बड़े स्तर पर विस्तार हो जाएगा। अब दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क कुल 286 स्टेशन हो चुके हैं जबकि यह 290 किलोमीटर लंबा भी हो गया है। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में चीन की बिंग जियाओ को सीधे सेंटो में हराकर बैडमिंटन महिला सिंगल के मुकाबले का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। सिंधु इससे पहले रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं और इस तरह वो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को मिली हार से वापसी करते हुए रविवार को चीनी खिलाड़ी को 21-13, 21-15 से हरा दिया। कांस्य पदक
पदक जीतने के कुछ देर बाद पीवी सिंधु ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक अभियान कठिन था और कांस्य रियो ओलंपिक में उनके रजत पदक की तुलना में जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सिंधु ने जीत के बाद कहा कि बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर जीतेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में दबाव काफी ज्यादा था। ऐसे में सिंधु ने बताया कि शनिवार को चीनी ताइपे की खिलाड़ी से सेमीफाइनल में हारने के बाद उनके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने खेल पर ध्यान लगाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके बाद उन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। इन दिनों उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों हो या फिर मैदानी इलाका हो, लगातार बारिश अपना कहर बरपा रही है। वहीं हरिद्वार के विधानसभा ज्वालापुर में भी बारिश के बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर ने अपनी विधानसभा का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसमें विधायक ने अपनी विधानसभा में पड़ने वाले दर्जनों गाँव के लोगों के हालचाल जाना और बारिश के वजह से जहां जहां क्षति हुई है उन किसानों से मिलकर मुआयना भी किया। साथ ही जल्द ही उन पर भरपाई करने का आश्वासन भी उन्हें दिया। बता दें, लगातार हो रही बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने लगा है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के बाद जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाए। बाढ़ के कारण से जो जो हानि हुई थी उसका सर्वे आज हमने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उनके अधिशासी अभियंता, कृषि के लोग और राजस्व के लोग, लेखपालगण, राजस्व के अधिकारी और जो अन्य अधिकारी गण थे उनको लाकर मौका मुआयना कराया। जहां जहां क्षति हुई थी विधानसभा ज्वालापुर में, उसको पूर्ति के लिए हमने तत्काल कहा कि जो राहत राशि देनी है किसानों को वो मुहैया करा दें और जहां जहां सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं, उनको खोला जाए और निर्माण उनका करा जाए। जिस स्थान पर खड़े हैं, हमने 45 करोड़ की लागत से यहां पर पुल की स्वीकृति के लिए दे रखा। तकनीकी छोटी मोटी कमियों के बाद उसको मैं समझता हूँ जल्दी यहाँ शुभारम्भ कर दिया जाएगा और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आजादी के बाद हम टांडासनगढ़ के लिए, गांजा से लेकर टांडासनगढ़ के लिए 4 किलोमीटर की सड़क और एक बहुत बड़ा पुल दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं रुद्रपुर से काठगोदाम के बीच बनने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 और 9 पिछले 3 सालों से खस्ताहाल हालत में है। आलम यह हो गया है कि 3 सालों से निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिस वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और हाईवे के अधूरे निर्माण के चलते जगह जगह हाईवे खस्ताहाल हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढों के चलते हाईवे पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। वहीं लालकुआ से हल्द्वानी के बीच सबसे ज्यादा हाईवे बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जहां 18 किलोमीटर में 15 डायवर्जन बनाए गए हैं, जबकि 16 जगहों पर सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं है। 5 सालों में मात्र 40% राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो पाया है। बता दें, कार्यदायी संस्था को 2019 में ही हाईवे को जनता को समर्पित करना था, लेकिन 6 साल बाद भी हाईवे का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हालत बहुत खराब है और स्थानीय लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करते हुए इस हाईवे से गुजरना पड़ता है। लाल कुआं क्षेत्र के तो उसमें लगातार बात चल रही है हमारी, और अभी आपने देखा होगा कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोगों ने किया है, खासकर तीन पानी से लेकर इसको आपका नरीमन पॉइंट तक उस भूमि के रोड के हस्तांतरण के लिए, तो उसमें NHAI से भी हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। अभी जितने भी गड्ढे वहाँ पर अभी मंडी क्षेत्र में हैं, बन गए हैं, तो उन सबको हम भरवा रहे हैं, तो लेवलिंग करवा रहे हैं, तो एक्शन जो निर्माण खंड है उसमें काम कर रहे हैं। कोयल घाटी से एम्स में जाने वाली सड़क, बनाए जाने वाली सड़क एक बार फिर से जगह जगह धस चुकी है। बताते हैं, रविवार को सड़क धसने से एक ट्रक पलटने से बच गया। जानकारी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क धसने में के मामले में PWD के अधिकारियों को भी तलब कर लिया। मौके पर सड़क की हालत दिखाकर सवाल जवाब भी किए, लेकिन अधिकारियों के पास सड़क आखिर
क्यों और कैसे धस रही है इसके बारे में कोई सटीक जवाब नहीं मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर दोषियों पर अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया तो पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों पर सरकार की गाज गिर सकती है। तो बता दें, एम्स जाने वाली सड़क पूरी तरह से धस गई है और ट्रक पलटने से बच गया है, जिसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जानकारी ली गई, लेकिन उनके पास कोई भी जवाब नहीं था कि कैसे इस सड़क का निर्माण हुआ है और किस तरह से सड़क कैसे और कब धस गई, इस बारे में अधिकारियों के पास कोई भी जवाब नहीं था। देखिए, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये कि जब ये सड़क अपने NH से लगाकर और एम्स को कनेक्ट करती है जो ये रोड, इस रोड की शिकायत बनने के समय पर मैंने 3 बार अलग अलग टाइम पे मुख्यमंत्री कार्यालय में की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन वही ढाक के 3 पात, न तो विभाग ने सुनी और न सरकार ने सुनी। अब मेरा सवाल तब भी ये था कि यदि सड़क की आप लिपापोती करके इसे ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि सड़क बनने के अगले दिन उधड़नी शुरू हो गई थी, जगह जगह से धसनी शुरू हुई थी, तब मैंने इसकी शिकायत की थी और आपके चैनल के माध्यम से तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी, और तब मेरा केवल यही मांग थी कि उस ठेकेदार से एक रिकवरी की जाए, उन अधिकारियों से रिकवरी की जाए, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जनता के टैक्स का ही पैसा है। और आज जबकि अभी बरसात मुझे लगता है रौद्र रूप में नहीं आई है, मानसून पूरा बरसना अभी आरंभ भी नहीं हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि ट्रक का क्या हाल है, शायद आपने दूसरी साइड से कवर किया होगा, और ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो सकती थी। इसमें नमामि गंगे परियोजना और PWD विभाग, ये दोनों दोषी हैं। देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि विभाग बिल्कुल लापरवाही पे मुझे लगता है आमादा है। ये बात तो ठीक है कि इस सड़क को देखते मेरा आज मन बहुत दुखी है, और जिस तरह से ट्रक अभी धंसा है, भगवान का शुक्र भी कर रहा हूँ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ट्रक धंसने तक सीमित रह गया, किसी अनहोनी से बचे हम लोग। ऐसी घटना हो जाती तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाता। नंबर 20 में रोड बनती है, अभी 1 साल नहीं हुआ और जगह जगह ये जिस प्रकार से धस रही है, ये बहाना कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे जो है पाइपलाइन है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंजीनियर्स का मतलब क्या है? यदि पाइपलाइन थी तो सड़क कैसे बन गई, और बनी है तो उसकी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की? भाई, मैं जानता हूँ ये पाइपलाइन है, आपका भी पता है पाइपलाइन, और उसके बाद भी आपने सड़क के ऊपर लिपापोती कर दिया। आगे देखिए, वो उसकी रिपोर्ट मुझे देंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि ये मान के चलिए कि यदि किसी भी अधिकारी की इसमें लिप्तता पाई जाएगी, अब ये ठेकेदार की होगी तो ये बताएंगे, इनकी होगी तो हम बताएंगे, और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र में पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति का ग्राम प्रधान पद आरक्षित था, लेकिन लोवा गांव निवासी आशीष कुमार पाल की पत्नी मोहिनी देवी ने फर्जी धनगर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाते हुए नामांकन दाखिल किया और चुनाव में जीत भी हासिल की, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ही अनुसूचित जाति के लोगों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा था। दरअसल अनुसूचित जाति के सागर सिंह ने इस मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी सिकंदरा से की, से लेकर राष्ट्रपति तक से की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बता दें, 14 जुलाई 2021 की शिकायती पत्र जिले के GM जितेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इसके बाद 23 जुलाई 2021 को जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को सागर सिंह ने शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि 7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हम अनुसूचित जाति के लोग आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन चुनाव, उसमें अनुसूचित जात का आरक्षण था, लेकिन जालसाजी से मोहिनी देवी पति आशीष कुमार ने फर्जी 80 जात के धनगर का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ी, जिसकी हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कई बार मैंने शिकायत की, जुलाई में 14 तारीख को हमने जिलाधिकारी कानपुर देहात, फिर 23 तारीख को जिलाधिकारी CDO मैडम को यहाँ शिकायत दी और कहा भी कि मैडम, अगर हमें इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम 7 दिनों बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे, और 7 दिन पूरे हो गए और हम आमरण अनशन पर बैठ गए। समस्या ये है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ था
उसने एससी का जो प्रमाण पत्र बनवाया गया था ओबीसी कैटेगरी से जो पाल गडरिया जात से आते हैं उसके लिए ये फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया, एससी सीट पर चुनाव लड़े इसी के बारे में बैठा। वहीं मथुरा नगर के मसानी क्षेत्र में स्थित नेशनल चैंबर में ऑल इंडिया ताइक्वांडो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि यह आयोजन दो दिन तक चलेगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग पहुंचे, जिन्होंने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की और इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद श्यामा, रवि चौधरी, निधि कुशवाहा, श्वेता चौधरी, फलक वाशिका शर्मा समेत तमाम लोग शामिल हुए थे। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि ऐसे खेलों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। आज कोरोना की वजह से टीमें तो कम आई है, हमारा उम्मीद तक हमने 40-50 टीम आने का, लेकिन आज के समय 22 टीम हमारे उपलब्ध है इस समय पे। और ताइक्वांडो और कराटे दोनों का आयोजन है, एक दिन हम लोग कराटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दिन हम ताइक्वांडो का प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं तो चाहता हूँ कि सारी दुनिया में ताइक्वांडो कराटे को कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि ये एक खेल ही नहीं है, ये आत्मरक्षा का सबसे अच्छा साधन है। अगर हम लोग अपनी देखें आज के समय में जितने दुराचार लड़कियों के साथ, बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, अगर हम लोग अपने आप में सक्षम हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारी तरफ आँख उठा के देख सके। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में कोतवाल और किसी युवक की फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो की सच्चाई जानने के लिए न्यूज वॉल इंडिया की टीम ने छानबीन की तो पता चला कि एक युवक की कोविड-19 के दौरान कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक युवक की पत्नी अपने मायके चली गई और अब उसकी पत्नी जबरन मृतक के पति के परिजनों पर फर्जी मुकदमा लिखना चाहती है, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस पर मुकदमा लिखाने का भी वो लेकर लगातार दबाव बना रही है, जिसका ऑडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें जिसमें मृतक युवक की पत्नी का भाई कोतवाल पर मुकदमा लिखवाने के लिए दबाव बनाता नजर आ रहा है। तो बता दें पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां पर एक ऑडियो वायरल हुआ है और एक दरअसल युवक की कोरोना के समय में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी, लेकिन अब पत्नी युवक के घर वालों पर फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए पुलिस पर दबाव बना रखी है। हालांकि युवक का भाई पुलिस वाले से बात कर रहा था, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।